Good morning to all my online dear students. In the last class, we have started our new chapter electrochemistry. और उसके अंदर मैंने आपको बताया था बेटा, दो तरीके के हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं. एक होता है गैल्वेनिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. और हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल देखा था, किस तरीके से गैल्वेनिक सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं. और उसके अंदर मैंने सॉल्ट ब्रिज आपको बताया था. सॉल्ट ब्रिज हमें ऐड करना जरूरी है ताकि वो दोनों हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो सर्किट में नहीं होगा. ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया था. जस्ट हम लोग अगर दो मिनट में देखें उसे, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आपको बताया था दो तरीके का हमको ध्यान रखना है. सिलेबस में हमारे दो होते हैं, फर्स्ट वन इज द गैल्वेनिक सेल और दूसरा जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. गैल्वेनिक सेल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो हमारा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसके अंदर बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और ये कन्वर्जन जो होता है आपका स्पॉन्टेनियस था. कन्वर्जन कैसा था हमारा, स्पॉन्टेनियस था. और स्पॉन्टेनियस होने का मतलब होता है हमारे लिए डेल्टा जी का साइन अगर पूछे तो डेल्टा जी हमारा लेस देन जीरो कहलाता है. सेकेंड जो था इलेक्ट्रोलाइटिक था, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या बताया था, नॉन स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन होता है बाय सप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आप इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं और आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा स्टोर होता है किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में. इन्वर्टर को आप चार्ज करते हैं जब, तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी के अंदर. और ये आपका स्पॉन्टेनियस नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आप कंटिन्यूअस जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तभी हो पाएगा. अगर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट नहीं होगा. जबकि आप किसी सेल को लगा देते हैं, बटन सेल या पेंसिल सेल को घड़ी के अंदर लगा दिया आपने, हाथ घड़ी जो हैंड वॉच है उनके अंदर लगा दिया, तो आपका डायरेक्ट केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. और नॉन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब डेल्टा जी ग्रेटर देन क्या होता है, जीरो. और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन देखा था. तो कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था आपको बेटा, हमारे पास दो हाफ सेल होते हैं ना, हमारे पास दो हाफ सेल, दो सेपरेट कंटेनर के अंदर करवाते हैं हम लोग. और इन दोनों हाफ सेल को, फर्स्ट हाफ सेल को हम लोग बोलते हैं एनोड हाफ सेल, जिसके अंदर हमने क्या लिया था, एक्वस ZnSO4 जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था. और इसके अंदर हमने डिप कराया था कौन से मेटल रॉड को, जिंक के मेटल रॉड को. सेकेंड हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया था, सेकेंड किसका था बेटा, हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 का लिया था. और इसके अंदर हमने रॉड डिप कराया था किसका, कॉपर का. ठीक है, तो कॉपर की रॉड थी और दूसरी हमारी जिंक की रॉड थी. और इनको हमने एक वायर के थ्रू क्या किया था, कनेक्ट किया था. बीच में हमने एक कनेक्टिंग बल्ब लगाया था ताकि वो बल्ब जैसे ही जले हमें पता चले इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है. तो हो क्या रहा था इसमें, बेसिकली जिंक की जो टेंडेंसी थी, जिंक मेटल, ये जिंक एटम से निकल के किसमें जा रहा था, Zn+2 के अंदर. इसको आज मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, जिंक Zn+2 में जा रहा था और रॉड के अंदर क्या कर रहा था बेटा, दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा था. ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होते हुए कॉपर प्लेट के पास आते हैं और CuSO4 सॉल्यूशन से जो Cu+2 का आयन है, ये इन दो इलेक्ट्रॉन को जो भी आते हैं यहां से रॉड के थ्रू, उनको गेन करता है और किसमें कन्वर्ट होता है, खुद कॉपर के अंदर. ये देखा था हमने इस तरीके से. और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया तो बल्ब हमारा जल जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया, मतलब हमारा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. ये गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन में देखा था मैंने बताया. चूंकि इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है. और ये रॉड अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज. इसे हम लोगों ने बोला था, पॉजिटिव चार्ज वाले को कैथोड बोला था बेटा, और नेगेटिव चार्ज वाले प्लेट को हमने क्या बोला था, एनोड बोला था. ठीक है, इसको एनोड बोला था. सॉल्यूशन में देखो, इनिशियली Zn+2 और सल्फेट आयन बराबर थे, मतलब न्यूट्रल था. लेकिन जैसे ही Zn+2 निकलता जाएगा सॉल्यूशन में, पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था. पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा था, इंक्रीजेज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा था. और इधर की बात करो तो पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली डिपॉजिट हो रहा था मेटल के ऊपर. तो शुरू में तो Cu+2 और सल्फेट आयन बराबर थे, न्यूट्रल था. लेकिन जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो मतलब सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज बढ़ता जा रहा था, यहां पे बेटा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. यहां पे जो होता था कन्वर्जन, जिंक का सॉलिड फॉर्म से किसमें कन्वर्जन था, Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन.
एंड दैट इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग क्या बोले थे, ऑक्सीडेशन बोल रहे थे। इस साइड की बात करो तो इस साइड हमारा जो कॉपर का रॉड था Cu प्लस टू आयन जो एक्वस में था, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये कन्वर्ट हो रहा था Cu सॉलिड में, तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो जिस साइड ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखना है, याद क्या रखना है, जिस साइड ऑक्सीडेशन होगा उधर सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जिधर ऑक्सीडेशन होगा सॉल्यूशन में पॉजिटिव, रॉड के ऊपर नेगेटिव, और इस साइड की बात करो जिधर रिडक्शन होता उधर सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिव और रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हमने कर लिया था। और मैंने आपको समझाया जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन के अंदर बढ़ता जाएगा अब इलेक्ट्रॉन को जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी चीज को क्या किया जाए ऐसा कि ये सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल बना रहे ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूअस बना रहे, उसके लिए हमने एक एडिशनल चीज इसके अंदर है ना इन्वर्टेड शेप में ऐड किया था इस तरीके का, जिसे हम लोगों ने क्या बोला था, सॉल्ट ब्रिज। इसको हमने क्या नाम दिया था, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप टाइप का ट्यूब होता है, यू शेप ट्यूब, जो क्या करता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करके रखता है, जिसका काम केवल इतना है कि जैसे सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा ये क्या करेगा, एक निगेटिव आयन को इसके अंदर डाल देगा, मतलब इस साइड आपको कोई एनायन का फ्लो करा देगा, और जैसे ही एनायन आएगा क्या करेगा, सॉल्यूशन को फिर से न्यूट्रल करेगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका मेंटेन रहेगा। इस साइड सॉल्यूशन में कैसा चार्ज बढ़ा था, निगेटिव, सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा इसके अंदर एक ऐसा केटायन डाल देगा ताकि सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल बना रहे और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा क्या हो सके, ये प्लेट हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम होता है, इसी को आज हमें पढ़ना है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है और सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंस क्या है, और जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे लास्ट क्लास की बात थी, ये सब चीजें हम लोग आज सॉल्ट ब्रिज के बारे में ही सीखने जा रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज है क्या, फंक्शन क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमारा नेक्स्ट रीडिंग यही रहेगा, सॉल्ट ब्रिज, इट्स फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है आज का बेटा, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, इट्स फंक्शन, इट्स फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस। आज का थोड़ा पार्ट हमारा थ्योरेटिकल होने वाला है, तो थोड़ा सा हमें याद रखना है चीजों को, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसका फंक्शन क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन क्या देंगे। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है बेटा, अभी देखा हमने, यू शेप का इन्वर्टेड ट्यूब होता है जिसके अंदर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करके रखता है। तो जस्ट आई एम गिविंग द डेफिनेशन, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। यू शेप में ट्यूब होता है, इन्वर्टेड होता है ताकि आयन इजिली फ्लो हो सके। सॉल्ट ब्रिज एंड इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब विच कंटेंस एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KCl वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, लाइक KCl, KNO3, NaCl, NaNO3, जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है उन सबको आप डाल सकते हो, NaNO3, NH4Cl, etc. ठीक है, इन्हें कोलाइडियल सॉल्यूशन ऑफ अगर अगर पाउडर इन सेमी लिक्विड स्टेट। किस फॉर्म में रहते हैं, सेमी लिक्विड स्टेट में, सो डेट आयंस कैन मूव इजिली, ताकि आयन क्या हो सके, आसानी से फ्लो कर सके। यह आपका डेफिनेशन है सॉल्ट ब्रिज का, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में डेफिनेशन आती है सॉल्ट ब्रिज की। तो सॉल्ट ब्रिज एक तरीके का इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है, ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब
विच कंटेन्स एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, उसके अंदर क्या रहता है बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, NaCl, NnO3, NH4Cl एटसेट्रा इन ए कोलाइडियल सोल्यूशन ऑफ अगर अगर पाउडर. कोलाइडियल सोल्यूशन ऑफ अगर, कोलाइडियल सोल्यूशन हमने पढ़ा है तो बेसिकली एक कोलाइडियल फॉर्म में मिलता है आपका. अगर अगर पाउडर एक तरीके का केमिकल है, उसका कोलाइडियल सोल्यूशन के फॉर्म में बना रहता है इन सेमी लिक्विड स्टेट. से आप जेली खाते हैं ना टॉफियां, जेली वाली जो टॉफी आती है, तो जेली देखो सेमी लिक्विड स्टेट में अगर अगर पाउडर टाइप का वो सॉल्यूशन होता है. तो कोलाइडियल सॉल्यूशन ऑफ अगर अगर पाउडर इन सेमी लिक्विड स्टेट ऐसा क्यों होता है, सो दैट आयंस कैन मूव इजिली. आयंस आसानी से क्या हो सके, मूव कर सके, मतलब एनोड हाफ सेल में चले जाए. हमने देखा ये भी डायग्राम, वही चीज सेम फिर से मैं बना देता हूँ साइड में समझने के लिए. सॉल्ट ब्रिज हमारा इस तरीके का इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता था, जिसका काम केवल क्या होता था, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको न्यूट्रलाइज करना, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको न्यूट्रलाइज करना, ठीक है. और जो भी आप सॉल्ट ब्रिज लेते हो इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भरोगे, किस फॉर्म में रहेगा, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ अगर अगर पाउडर इन सेमी लिक्विड स्टेट, ताकि इजिली वो क्या कर सके, मूव कर सके, ठीक है. तो हम लोग ये हमारा सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है याद रखना, ठीक है. चलिए तो ये सॉल्ट ब्रिज की बात हो गई कि क्या होता है. फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज आखिर काम क्या कर रहा है हमारे लिए, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है. तो सॉल्ट ब्रिज का देखो बेटा तीन काम है. सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, तीन काम. पहला सबसे काम यह है कि यह क्या करता है, जो भी इसके अंदर सॉल्यूशन है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या रहे, बना रहे. दोनों रॉड के थ्रू हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना, दिमाग में आपको फिगर रखना है, रॉड लगे थे और इनके बीच में वायर से कनेक्शन था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रहे, इसके लिए क्या करता है, दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है, पहली चीज. दूसरा, दोनों हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट को साइमल्टेनियसली न्यूट्रलाइज करता है, एक साथ न्यूट्रलाइज करेगा. और तीसरा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है. वो क्या होता है हम लोग कंसंट्रेशन सेल में देखेंगे. जस्ट आई एम राइटिंग द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. पहला फंक्शन क्या है, इट मेंटेन या सर्किट लिख लेते हैं पहले, इट कंप्लीट्स सर्किट. देखो इस सर्किट को ये क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसे कंप्लीट करता है. इट कंप्लीट सर्किट बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. सर्किट को कंप्लीट करता है. विदाउट सॉल्ट ब्रिज सर्किट कंप्लीट नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा. तो इट्स कंप्लीट सर्किट बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला फंक्शन. दूसरा क्या कर रहा है, दोनों हाफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इस साइड भरा उस इलेक्ट्रोलाइट को और जो इस साइड सॉल्यूशन भरा उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है. तो इट न्यूट्रलाइजेज, ऐसा लिखो, इट मेंटेन्स टू न्यूट्रलाइज बोथ हाफ सेल. इनको मैंने बताया था आपको, इसको एनोड हाफ सेल, इसको कैथोड हाफ सेल कहते हैं. तो इट न्यूट्रलाइजेज बोथ हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट्स साइमल्टेनियसली. थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है. तो ये न्यूट्रलाइज करता है दोनों हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट को एक साथ में, ठीक है. और थर्ड फंक्शन की बात करो तो इट मिनिमाइजेज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. इट मिनिमाइजेज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम लोग कंसंट्रेशन सेल में देखेंगे. जस्ट आइडिया यहां दे दूं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ये भी क्या करता है, मिनिमाइज करता है. कंसंट्रेशन सेल में हम ऐसे भी सेल देखेंगे जिसके अंदर एक ही कंटेनर के अंदर दोनों रॉड रहेंगे, है ना, एनोड भी और कैथोड भी. तो वहां पे जंक्शन पोटेंशियल बनता है, उसको भी मिनिमाइज करने का काम करता है. तो वी विल कम टू दिस पॉइंट आफ्टर स्टडिंग द कंसंट्रेशन सेल. वो पढ़ते समय मैं आपको इस पॉइंट को वहां पे क्लियर करा दूंगा. जस्ट वी हैव टू रिमेंबर दिस थ्री पॉइंट्स. पहला पॉइंट, सर्किट को कंप्लीट करता है बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. सर्किट इसके बिना कंप्लीट नहीं हुआ, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा. सेकंड, न्यूट्रलाइज बोथ द हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट साइमल्टेनियसली. दोनों हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहा है, एक साथ न्यूट्रलाइज कर रहा है. और थर्ड है, इट मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल.
तो ये हमारी बात हो गई बेटा, क्या फंक्शन क्या है इसका सॉल्ट ब्रिज का। तीसरी चीज हमें जो जाननी है कि आखिर सॉल्ट ब्रिज के ऊपर कौन सा है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरे जा रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट पे क्या हमारी कंडीशंस होने चाहिए, किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरे जाना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड हमारा है कंडीशंस ऑन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर क्या कंडीशन हो, कंडीशन ऑन इलेक्ट्रोलाइट, कंडीशन, कंडीशन ऑन इलेक्ट्रोलाइट, साउंड है ना, कंडीशन ऑन, कंडीशन ऑन साउंड का, ठीक, कंडीशन ऑन इलेक्ट्रोलाइट, कंडीशन ऑन इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए। दो कंडीशन होती है इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप भरते हो, जैसे आपने सपोज करो KCl भरा, इसके अंदर क्या भर दिया KCl, तो बेटा ये वाला मैंने बताया था इस तरफ हमेशा क्या रहता है एनोड हाफ सेल, इसको क्या बोलते हैं एनोड हाफ सेल। और एनोड की तरफ आपको पता है एनोड का टर्मिनल निगेटिव और सोल्यूशन के ऊपर कैसा चार्ज दिखाई देता है हमको, पॉजिटिव चार्ज। और इस साइड वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल बोलते थे। और इस तरफ कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता था, रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो सॉल्यूशन के ऊपर कैसा चार्ज होता था नेगेटिव। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट डालते थे इसका काम क्या था बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर कौन सा आयन आएगा, Cl- आयन आएगा। ये फिगर आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं, फाइनली हमको पॉइंट याद रखना है Cl-। इधर नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए कौन सा चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज, ताकि उसे न्यूट्रलाइज कर सके। तो पहला यही कंडीशन क्या है इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर क्या कंडीशन है, तो पहली कंडीशन ये है कि इन दोनों आयन्स की Cl- और K+ जो भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसके केटायन और एनायन की स्पीड सेम होनी चाहिए। स्पीड का मतलब यहां पे है आयोनिक मोबिलिटी बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, हम क्या बोलेंगे आयोनिक मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी ऑफ बोथ केटायन एंड एनायन शुड बी सेम। ऐसा क्यों, ताकि दोनों सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली न्यूट्रलाइज हो सके, जैसे ये न्यूट्रलाइज होगा उसी समय ये भी न्यूट्रलाइज हो सके। ऐसा ना हो कि ये सॉल्यूशन तो न्यूट्रलाइज हो गया लेकिन इस साइड का सॉल्यूशन आपका न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। क्या होगा अगर इस साइड का सॉल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लिया, इस आयन की स्पीड तेज हो गई तो ये जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इस साइड न्यूट्रलाइज, तो ये तो इलेक्ट्रॉन भेजने को तैयार है, ये रॉड हमारा इलेक्ट्रॉन भेजने को तैयार है, लेकिन That cathode terminal is not able to accept the electron. ये लेना नहीं चाहेगा, तो अगर वो ले नहीं पाएगा तो उस केस में क्या होगा आपका, सेल हमारा वर्क नहीं करेगा। या हो सकता है अगर केटाइन की चाल तेज हुई तो केटाइन ने इसको तो न्यूट्रलाइज कर दिया लेकिन ये साइड आपका न्यूट्रलाइज ही नहीं हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन आपको भेज ही नहीं सकता। इसीलिए केटाइन और एनायन दोनों की चाल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ताकि दोनों सॉल्यूशन साथ साथ न्यूट्रलाइज हो सके। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है जिसके केटायन और एनायन की आयोनिक मोबिलिटी क्या होती है, सेम। तो कंडीशन पहला यही है आयोनिक मोबिलिटी ऑफ, आयोनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन शुड बी सेम, शुड बी सेम, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सो दैट, so that both half cell, मैंने बताया एक तरफ के cell को half cell बोलते हैं, ये दूसरा half cell है आपका, हमने नाम लिख दिया था anode half cell, negative half cell, lone हमारा code word था LO, AN, left oxidation, A का मतलब anode, N का मतलब negative, तो half cell बोलते हैं, so that both half cell neutralizes, both half cell neutralizes simultaneously. Both half cell neutralizes simultaneously, ताकि दोनों half cell हमारा simultaneously neutralize हो सके। इसके लिए ionic mobility cation and anion का क्या होना चाहिए आपका, same होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला condition है जिसको ध्यान रखना है ना। ionic mobility की definition क्या होती है, that we will discuss in electrolytic cell, पर मैं यहाँ पे just दे दूँ आपको, अगर लगे कि सर ionic mobility क्या है, तो ionic mobility का meaning क्या होता है बेटा, ionic mobility, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिटेल में पढ़ेंगे। आयोनिक मोबिलिटी का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन, डिस्टेंस
मैंने बताया आज का पार्ट थोड़ा थ्योरेटिकल होने वाला है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट. ठीक है, किसी भी आयन की है ना, किसी भी कोई भी आयन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है. जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर आप आयन लोगे ना, अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब पढ़ेंगे तो उसमें एक ही चैम्बर में आपका कैथोड और एनोड दोनों होता है बेटा. तो वो आयन एक पर मिनट में, पर यूनिट टाइम का मतलब वो मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट. दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट का होना चाहिए और वो आयन कितना ट्रेवल कर लेता है पर यूनिट में, उसी को आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं. इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिस्कशन करेंगे तब. तो अभी फिलहाल के लिए डेफिनेशन ध्यान रखें, डिस्टेंस ट्रेवल बाई आयन इन पर यूनिट टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट. वन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक ही हम लोग लेंगे बाद में, जिसके अंदर आपका कैथोड भी रहेगा एनोड भी रहेगा. तो इसके अंदर इनके बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट का हो तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक मोबिलिटी. और इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको ध्यान रखना है ना, अमंग द केटायंस, अमंग द केटायंस, अमंग द केटायंस एच प्लस आयन हैज हाइएस्ट आयोनिक मोबिलिटी, हैज हाईएस्ट आयोनिक मोबाइलिटी. केटाइन के अंदर बेटा सबसे ज्यादा आयोनिक मोबाइलिटी किसकी होती है, H प्लस की. एंड एंड अमंग द एनायंस, अमंग द एनायंस OH माइनस आयन, OH माइनस आयन हैज हाईएस्ट आयोनिक मोबाइलिटी. सुनिए क्या बेटा, तो ध्यान रखना केटाइन्स के अंदर पूछा जाए तो केटाइन्स के अंदर H प्लस आयन की आयोनिक मोबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है, और एनायंस के अंदर अगर पूछे तो एनायंस के अंदर हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी किसकी है, OH माइनस आयन्स की होती है. ये इंफॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑन इलेक्ट्रोलाइट कि आयनिक मोबिलिटी केटाइन और एनायन का क्या होना चाहिए, सेम जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर यूज कर रहे हैं उसका आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम. ये पहली कंडीशन थी. ठीक है, चलो हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करें. फर्स्ट कंडीशन हमारा हो गया, सेकंड कंडीशन ये होता है बेटा कि जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर यूज करोगे वो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट भरे हैं, जो भी सेल भरे हैं, जो भी सेल सॉल्यूशन भरा है उसके साथ वो रिएक्ट ना कर जाए. ऐसा ना हो कि ये सीएल माइनस आया और जो इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा उसके साथ रिएक्ट कर गया. अगर रिएक्ट कर जाएगा तो क्या करेगा, रिएक्ट करने का मतलब हो गया कि वो कंटिन्यूअस उसे कंज्यूम करने लगेगा, और इलेक्ट्रोलाइट अगर कंज्यूम हो गया तो उसका काम रिएक्शन थोड़ी ना करवाना है. इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, उसके आयन के फ्लो को मेंटेन करके रखना. ऐसा ना उसके अंदर आयंस आया और रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट बनाने लगा. तो सेकेंड कंडीशन यही है इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कि वो इलेक्ट्रोलाइट किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइट आप इसके अंदर ले रहे हो सॉल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोलाइट वो इसके अंदर बैठे सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ना ही इस इलेक्ट्रोड के साथ कोई रिएक्शन उसकी होनी चाहिए. तो सेकंड कंडीशन यही है, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज should not react with any of the electrode, ना ही इलेक्ट्रोड से रिएक्ट करे और इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो एनोड में भरा रहता है इलेक्ट्रोलाइट इसको हम लोग बोलते हैं एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, एनोड हाफ सेल बोलते थे. और जो
इलेक्ट्रोलाइट भरा है जिसका सॉल्यूशन, जैसे ZnSO4 लिया था हमने, तो क्या नाम होगा, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, इस साइड को कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एनोड, इसको क्या बोलते थे कैथोड। तो जो इसके अंदर आता है हमारा आयंस, वो आयन न इस इलेक्ट्रोड से रिएक्ट करना चाहिए ना ही इसके अंदर बैठे सॉल्यूशन से, चाहे एनोड वाले की बात करो चाहे कैथोड वाले की बात करो। आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज शुड नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ हाफ ऑफ द हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड, ना इलेक्ट्रोड से रिएक्ट करे ना ही इलेक्ट्रोलाइट से। आपका क्वेश्चन ये जरूर हो सकता है कि सर इसके अंदर हमने ZnSO4 लिया था, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि Cl- आएगा, तो Cl- तो Zn+2 से रिएक्ट कर सकता है, कोई मना नहीं है बेटा, Zn+2 इसके अंदर बैठा था, Cl- आया और Zn+2 से रिएक्ट कर लिया, और क्या बना सकता था, ZnCl2 बना सकता था। लेकिन ZnCl2 खुद एक तरीके का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ZnCl2 के फॉर्म में नहीं रहेगा, और खुद टूट के किस में चला जाएगा, Zn+2 और Cl- में। तो यहां पर रिएक्शन का कोई भी मीनिंग नहीं है। रिएक्शन का मीनिंग तब होगा जब वो उसके साथ प्रेसिपिटेट बनाने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो इसके अंदर अगर हमने AgNO3 का सॉल्यूशन लिया होता बेटा, किसका, AgNO3, तो Ag+ आयन जो है वो Cl- से कंबाइंड होके क्या बना लेता, AgCl, और हमें पता है AgCl का तो क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। इसका मतलब हम लोग KCl को AgNO3 सॉल्यूशन के अंदर कभी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिएक्ट करके क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो यही कंडीशन ध्यान रखना है थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल मैं मेंशन कर ही देता हूं इस बात को, KCl कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, AgNO3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, KCl can not be used in case of AgNO3 electrolytic solution. क्यों? AgNO3 electrolytic solution के केस में Cl- को KCl को क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि Cl क्या करेगा बेटा? Ag+ से रिएक्ट करके AgCl का PPT बना देगा। KCl can not be used in case of AgNO3 electrolytic solution because it will react with Ag+ and form AgCl precipitate. क्या बना देगा? AgCl का precipitate बना देगा, इसीलिए उसे हम लोग कभी यूज नहीं कर सकते। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, इट विल रिएक्ट विथ, मैं प्रोनाउंस भी कर रहा हूं, आपको थोड़ा विजिबिलिटी कम हो तो आप सुन के भी लिख सकते हैं, KCl कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ AgNO3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बिकॉज इट विल रिएक्ट विथ Ag+ एंड फॉर्म AgCl precipitate. AgCl का क्या बना लेगा, वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। दीज आर द टू मेन कंडीशंस ऑन इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपको यूज करना है। पहली कंडीशन, आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए केटायन एनायन की। सेकंड कंडीशन, कि वो किसी भी इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिएक्ट ना करे, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात थी, कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, किस तरीके से है, और कैसे हमें फंक्शनिंग क्या है, किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज का पार्ट थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है। कल से हम लोग जो आएंगे, नष्ट इक्वेशन आ जाएगा अपने पास, तो हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकली अप्रोच करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग इज आवर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, आपने फिजिक्स में पोटेंशियल पढ़ा होगा। पोटेंशियल क्यों डेवलप होता है बेटा? चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है, ये हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है। यहां पे हमारे लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग क्या होगा, आप देखो जैसे हमने रॉड को डिप करा के रखा था उसके सॉल्यूशन के अंदर, तो आपने देखा सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, तो रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो वहां पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो रहा था, इसकी वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो रॉड डाले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर आपका निगेटिव चार्ज है, तो सॉल्यूशन में कैसा चार्ज हो रहा था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव ये चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये मीनिंग है, अगर वो ऑक्सीडेशन की वजह से होगा तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन की वजह से होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऐसा होता क्यों है, है ना? तो ये डिपेंड करता है बेटा दो तरीके की टेंडेंसी पे। आप देखो हम लोगों ने जो भी लिया, ये आपका डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, रफ स्केच आपको मैं फटाफट दे रहा हूं, ये आपके दिमाग में हमेशा डायग्राम बैठा होना चाहिए।
एक तरफ देखो आपने जिंक को डाला था और नीचे सॉल्यूशन किसका लिया बेटा हमने ZnSO4 का, दूसरी तरफ आपने कॉपर के रॉड को डाला था और आपने सॉल्यूशन किसका लिया था नीचे बेटा CuSO4 का। ये आपके दिमाग में होना चाहिए हमेशा ये फिगर, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे स्पेशल केस ही है, इनको ध्यान रखना। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, एनोड बोलते थे, और इस साइड वाले टर्मिनल को क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, और इस साइड के पोर्शन को आप क्या बोलते हो, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, आवाज है क्लियर, ठीक। तो ये आपके सेल होते थे, ये बताया था मैंने आपको। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या आखिर, ZN के ऊपर हमें पता है ये कैसे चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज। ये रॉड कैसा चार्ज पाता है बेटा, निगेटिव चार्ज, और सॉल्यूशन के अंदर कैसा, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज सेपरेशन जहां भी होता है वहां पे क्या आता है, पोटेंशियल। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में आपने सीखा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा ये चीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग क्या है हमारे लिए, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल आएगा तो उसको हम लोग, ऑक्सीडेशन होने की वजह से अगर जो पोटेंशियल आएगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन की वजह से आएगा तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल। इस साइड क्या होता था रॉड का, ऑक्सीडेशन, इस साइड क्या होता था, रिडक्शन। सबसे पहली चीज, किसी भी मेटल को उसके सॉल्यूशन के अंदर आपने डाल दिया, किसी भी मेटल को उसके सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या, या तो रॉड का वेट गेन होगा या तो रॉड का वेट लॉस होगा। देखो यहां पे वेट लॉस हो रहा था क्योंकि इसके अंदर से जिंक कंटिन्यूअस निकल के किसमें आ रहे थे, सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन यहां से Cu+2 ऊपर जा रहा था, मतलब यहां पे बेटा आपका वेट गेन हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा था, वेट लॉस हो रहा था। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ना वेट गेन हो ना वेट लॉस हो। तो हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रोड पड़ते हैं, एक को बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव मतलब जो पार्टिसिपेट करेगा वेट गेन या वेट लॉस में, एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो पहले उसी चीज को मैं समझा रहा हूं कि क्यों कोई वेट गेन करता है और क्यों कोई वेट गेन नहीं करता है। तो हम लोग ये लिखेंगे, when a metal rod is dipped into, जब किसी metal rod को is dipped into solution of its own ion, when a metal rod is dipped into solution of its own ion, then depending upon magnitude of, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, मैंने बताया था आज की क्लास, then depending upon magnitude of two opposite type of tendencies, then depending upon magnitude of two opposite type of tendencies, three possibilities may occur. Depending upon two opposite type of tendencies, कौन कौन सी tendencies, that is solution pressure and osmotic pressure. सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये टर्म्स हमारे सिलेबस में इतना नहीं है डिटेल में, बस जो जितना मैं बता रहा हूं उतना हमें ध्यान रखना है कि क्या होता है। डिपेंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू अपोजिट टाइप ऑफ टेंडेंसीज, दैट इज सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, थ्री पॉसिबिलिटीज में अकर, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, थ्री पॉसिबिलिटीज में अकर। क्या क्या तीन पॉसिबिलिटी, सबसे पहला वेट ऑफ रॉड डिक्रीजेज, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, वेट ऑफ रॉड डिक्रीजेज, वेट ऑफ रॉड क्या हो जाए आपका, डिक्रीज हो जाए। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, वेट ऑफ रॉड इंक्रीजेज, कि आपका वेट ऑफ रॉड क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसे यहां देखो वेट ऑफ रॉड कम होता है, उसका वेट ऑफ रॉड बढ़ जा रहा था। और थर्ड पॉसिबिलिटी है नो चेंज इन वेट ऑफ रॉड, कि रॉड के वेट में कोई चेंज ही ना हो। ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन टू मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट टेंडेंसी, सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन प्रेशर को, मतलब क्या होता है सॉल्यूशन प्रेशर को, हम लोग SP लिख रहा हूं मैं। सॉल्यूशन प्रेशर का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ मेटल टू
टू कन्वर्ट इनटू आयंस। मेटल को आयन में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर का मीनिंग क्या होगा यहां पे, ये सॉल्यूशन चैप्टर का ऑस्मोटिक प्रेशर से लिंक मत करिएगा, है ना, यहां पे एसपीएम के थ्रू बनता है, ये अपना अलग ही है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब टेंडेंसी ऑफ मेटल, टेंडेंसी ऑफ आयन, टेंडेंसी ऑफ आयन टू कन्वर्ट इनटू मेटल, ठीक है। मेटल को आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी, मेटल को आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी सॉल्यूशन प्रेशर कहलाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, आयन को मेटल में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब डिपेंड करेगा आपका एसपी और ओपी पे, अगर आपका एसपी सॉल्यूशन प्रेशर किसी भी मेटल को जब उसके सॉल्यूशन में डिप करते हो तो दो तरीके के प्रेशर काम करते हैं, एक सॉल्यूशन प्रेशर, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस रॉड के लिए सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, मेटल किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, आयन में। लेकिन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर से ज्यादा होगा उसमें आयन किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, मेटल के अंदर। और जिनके लिए ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी उनमें कोई भी वेट में चेंज दिखाई नहीं देगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटी जो मैंने बताए, अगर एसपीओपी से ज्यादा हो गया, देखो लिखता हूं मैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है यहां पे हमारे पास, व्हेन सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा उस केस में क्या होगा, मेटल हैव हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू इट्स आयन। सॉल्यूशन प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन दिस केस मेटल हैव हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू इट्स आयन। मेटल की हाई टेंडेंसी क्या होगी, अपने आयन में कन्वर्ट होने की। व्हेन सॉल्यूशन प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इन दिस केस मेटल हैव हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू इट्स आयन। तो मेटल अपने आयन में कन्वर्ट होना चाहेगा और आयन में कन्वर्ट होना चाहेगा तो वेट ऑफ रॉड क्या होगा बेटा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। मेटल हैव हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू इट्स आयन, सो वेट ऑफ रॉड डिक्रीजेस। वेट ऑफ रॉड क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। और जहां भी वेट ऑफ रॉड कम हो जाएगा उसमें आप देखो सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि मेटल से निकल रहा है, और मेटल के ऊपर खुद कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और इस तरीके का इलेक्ट्रोड हमारे लिए क्या कहलाता है, एनोड। सो वेट ऑफ रॉड डिक्रीजेस एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। इस तरीके के इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बुलाते हैं, एनोड बुलाते हैं। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड मतलब जो आपका रॉड है, जैसे जिंक के केस में हो रहा है, देखो जो रॉड है रॉड का इलेक्ट्रोड के ऊपर खुद कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि मेटल से आयन निकल के जा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और सॉल्यूशन के ऊपर अगर मैं पूछूं, सॉल्यूशन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट लिख देते हैं इसको, इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट लिए होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर खुद कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ऑस्मोटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो इलेक्ट्रोड के ऊपर निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और क्या ध्यान रखना है, इस तरीके के इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे बेटा, एनोड बोलेंगे। और एनोड बोलोगे तो वेट ऑफ रॉड क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। एनोड बोलोगे और वेट ऑफ रॉड क्या होगा, डिक्रीज। और अगर वेट ऑफ रॉड डिक्रीज हो रहा है तो कब होगा ये बेटा, ये हमेशा कब होगा, ऑक्सीडेशन के केस में। एनोड पे तो हमेशा ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो फाइनली आपको ये ध्यान रखना है, सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो इलेक्ट्रोड के ऊपर निगेटिव, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर पॉजिटिव। सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ऐसे टर्मिनल को एनोड बोला जाएगा। वेट ऑफ रॉड क्या होगा, कम। और कम होगा तो मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि मेटल किस में कन्वर्ट होना चाह रहा है, अपने आयन के अंदर। समझ पाए हम लोग। तो जब सॉल्यूशन प्रेशर, अभी मैं डिफाइन करता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करूंगा फाइनली, पहले हम लोग समझ ले हो क्या रहा है, क्या हो सकता है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या होने वाला है मेटल।
तो अगर इसको डायग्राम के फॉर्म में देखोगे है ना, तो आपने सपोज करो ये कंटेनर लिया, आपने ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर आपने बेटा उस मेटल आयन को क्या कर दिया, डिप करके रख दिया। ये जो भी मेटल है आपका, इस मेटल को आपने इसके अंदर डिप करके रख दिया। ये मेटल मान लो आपका मेटल M है। जब मेटल इनिशियल स्टेज में रहेगा, थोड़ा सा इंक हल्का जा रहा है मुझे लग रहा है, देखो ये हमारे पास अगर कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने मेटल रॉड को रख दिया बेटा, ठीक है, और इस मेटल रॉड को किसके अंदर डिप करके रखा हमने, उसके ही सॉल्यूशन के अंदर, ये उसके खुद के आयन का सॉल्यूशन है। तो जब तक मेटल रॉड है तो मेटल रॉड तो कैसा रहेगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल होने का मतलब जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, देखो ये मान लो प्लस चार्ज है, उतना ही इसके अंदर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। लेकिन इस मेटल ने अगर हाई टेंडेंसी दिखाई अपने आयन में कन्वर्ट होने की, मेटल है हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू इट्स आयन, तो ये अगर अपने आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी दिखाएगा तो ये बेटा मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल के, है ना, मान लो मेटल हमारे पास M है, मेटल का नाम क्या है M, तो ये हाई टेंडेंसी दिखा रहा है अपने आयन में कन्वर्ट होने की, तो ये किस फॉर्म में आएगा, एम एन प्लस। जैसे मेटल है, मेटल सॉलिड फॉर्म में है, इसने हाई टेंडेंसी दिखाई किसके अंदर कन्वर्ट होने की, N प्लस का चार्ज लेके एक प्लस फॉर्म में जाने की, मेटल अपना N प्लस में जाने की। तो ये N इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा और ये N इलेक्ट्रॉन किस में छोड़ेगा, ये इनटू रॉड, रॉड के अंदर इन N इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो इस रॉड में आपके क्या रहेंगे, N इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे और मेटल से खुद मेटल निकल के किस में आएगा, M चार्ज के फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन में। जिंक का रॉड किस में आ रहा था, Zn प्लस 2 के फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में आके गिर रहा था। अगर इस सिचुएशन को आप, क्या ये लगातार होता रहेगा पूरा रॉड खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद आपको क्या सिचुएशन दिखाई देगी बेटा, कि कुछ समय के बाद जो प्लस का चार्ज निकलता जा रहा है, वो प्लस चार्ज इस रॉड को चारों तरफ से घेर लेगा। क्यों घेर लेगा, क्योंकि अब रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब रॉड के ऊपर खुद कैसा चार्ज होता जा रहा है, नेगेटिव चार्ज, रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, चारों ओर से इस नेगेटिव चार्ज की प्लेट को सराउंड कर लेगा। तो आफ्टर सम टाइम अगर सिचुएशन की बात करो, कुछ समय बाद की, तो कुछ समय बाद हमें सिचुएशन ऐसा दिखाई देगा, ये आपका रॉड है, ठीक है, खुद इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा बेटा, अब नेगेटिव चार्ज, रॉड में अब कौन सा चार्ज हो जाएगा एक्सेस में, नेगेटिव, क्योंकि इसने n इलेक्ट्रॉन को चार्ज के रॉड के अंदर छोड़ा है, तो रॉड के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये रॉड कैसा हो गया हमारा, नेगेटिव चार्ज हो गया रॉड के ऊपर, और बाहर सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज इसको चारों तरफ से क्या कर लेगा बेटा, सराउंड कर लेगा। ये पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ से क्या कर लेगा, इसे सराउंड कर लेगा, और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सराउंड कर लिए, तो आप देखो चार्ज का क्या हो गया, सेपरेशन, और चार्ज सेपरेशन जहां भी होगा वहां पे क्या आएगा, पोटेंशियल आता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो आप देखो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे तो आपको ये जो मेटल सॉलिड फॉर्म में था ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, किसके साथ, अपने आयंस के एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, प्लस एन इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले आपका मेटल पूरा अपने आयन में कन्वर्ट होना चाहता था, लेकिन कुछ समय के बाद पॉजिटिव चार्ज जब ज्यादा और से घेर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, तो अब ये मेटल को निकलने बाहर नहीं देंगे। इसीलिए कभी भी हाफ सेल आपका काम नहीं करता है, उसके लिए एक सॉल्ट ब्रिज को डालना पड़ता है जो कंटिन्यूअस इस बाहर वाले चार्ज को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, तो ही हमारा सेल काम कर पाता है। हाफ सेल कभी भी यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेटल और मेटल के आयन में क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं चार्ज का सेपरेशन होने की वजह से, चार्ज का सेपरेशन होने की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अभी मैं डिफाइंड करूंगा ही उसे, पहले हम लोग ये केसेस डील कर लें। सेकंड केस की पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड केस हो सकता था व्हेन एसपी इज लेस देन ओपी, अगर आपका सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी यही है कि अगर हमारा सॉल्यूशन प्रेशर आपका बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हो, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, मतलब आयन ज्यादा, आयन की टेंडेंसी किस में होगी, अपने मेटल में कन्वर्ट होने की। अगर डिप करके रख दिया तो अब आयन किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, अपने मेटल के फॉर्म में, ठीक है।
तो अगर आयन मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा बेटा, तो उस समय वेट ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इस तरीके के टर्मिनल को हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड। तो ये पूरा जो लिखा था, इन दिस केस मेटल हैव हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू इट्स आयन, इसमें क्या हो जाएगा, मेटल आयन विल हैव हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू इट्स मेटल। तो बस मैं इसको डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, है ना, इसमें हम लोगों को क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा बेटा। देखो ऐसे कर लेते हैं, इसके अंदर आयन जो होगा, आयन आयन्स किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे, मेटल के अंदर आयन्स किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे, जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो आयन्स कन्वर्ट होना चाहेगा मेटल के अंदर, और आयन्स मेटल में कन्वर्ट होना चाहेगा तो वेट ऑफ रॉड क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, और वेट ऑफ रॉड अगर बढ़ेगा आपका तो इस तरीके के इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। इस तरीके के इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड बोला जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रोड के ऊपर खुद कैसा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, अब इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि आयंस किस में जा रहे हैं, मेटल में, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव, और चूंकि इलेक्ट्रोलाइट उस सॉल्यूशन से आयंस निकलते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के ऊपर कैसा चार्ज, जस्ट इसके उल्टा केस होगा, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलाइट पे निगेटिव चार्ज, और इस तरीके के टर्मिनल को एनोड वहां बोला था, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, कैथोड बोलेंगे, और कैथोड बोला तो वेट ऑफ रॉड क्या होने वाला है बेटा, वेट ऑफ रॉड इंक्रीज होने वाला है, और वेट ऑफ रॉड अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मेटल आयन अपने मेटल में जा रहा है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है। तो जो जानकारी मैं दे रहा हूं थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको ध्यान रखते हुए चलना है इन सब इंफॉर्मेशन को, और डायग्राम के फॉर्म में अगर इसे रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे ऊपर डायग्राम के फॉर्म में हमने दिखाया है, नीचे को भी अगर डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसे दिखाओगे इसे, ये आपका सॉल्यूशन है इस कंटेनर के अंदर, देखो ये आपने कंटेनर ले लिया बेटा, इस कंटेनर के अंदर हमने मेटल की रॉड को क्या कर दिया, डिप करके रख दिया है, और ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किसका है, सेम उसी आयन का, तो ये आपका पहले इनर्ट जब रहेगा तो इसमें प्लस माइनस इक्वल रहेंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर जो आपका एक्वस सॉल्यूशन किसका लिया, उसी मेटल आयन का लेते हैं हम लोग, जैसे कॉपर लिया था यहाँ पे, तो कॉपर सल्फेट ही लिया था ना, तो Cu प्लस टू आयन उठ के किसमें जा रहा था, कॉपर रॉड में, तो Mn प्लस आयन जो सॉल्यूशन के अंदर, ये उठ उठ के खुद किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, अब रॉड के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये मेटल M के फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट होता जाएगा। तो आप खुद क्या क्या यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जो एम एन प्लस एक्वस था ये खुद कन्वर्ट होना चाहता है किसके अंदर, मेटल सॉलिड फॉर्म में, मतलब एन इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, इन सॉल्यूशन इनटू सॉल्यूशन, या ये बोल दो फ्रॉम रॉड, फ्रॉम रॉड, रॉड से एन इलेक्ट्रॉन निकल के अब कहां जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर। देखो एन प्लस जो है ये गेन कर लिया तो मेटल के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे, फ्रॉम रॉड, ये सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, तभी सॉल्यूशन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और रॉड के ऊपर खुद कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी आप देख सकते हैं, ऊपर वाले से लिंक करो, सेम है, आफ्टर सम टाइम की बात करो, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद की बात किया जाए तो कुछ समय बाद की सिचुएशन क्या दिखाई देगी, अब खुद रॉड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, ये जो रॉड हमने डिप किया था उसके खुद के सॉल्यूशन के अंदर, तो आपका इस रॉड पे अब कैसा चार्ज आएगा, देखो सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज उठ उठ के रॉड में जा रहा है, तो फ्रॉम रॉड, रॉड से एन इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, तो अब रॉड के इसमें देखो नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इसमें रॉड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा, ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को चारों तरफ से क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा, और देखो आपने नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज को सराउंड कर लिया तो यहां भी क्या हो गया, चार्ज का सेपरेशन, और जहां भी चार्ज का सेपरेशन हो गया वहां पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस समय रॉड के ऊपर कैसा चार्ज दिखेगा हमें बेटा, पॉजिटिव, यहां देखो रॉड पे नेगेटिव था और सॉल्यूशन में कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है, रॉड पे पॉजिटिव आ चुका है और सॉल्यूशन में खुद कैसा चार्ज, नेगेटिव, ये जो मैंने बताया था ना उससे लिंक करो तो ध्यान में रहेगा आपको, और क्या दिखाई देगा, जो मेटल एम प्लस एन एक्वस फॉर्म में था ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, अब किसके साथ, मेटल सॉलिड के पास और प्लस एन इलेक्ट्रॉन करते हुए, ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा, है ना, मैंने मुझे लग रहा है कि
ये एन इलेक्ट्रॉन मुझे इधर लिखना चाहिए, मैंने उस साइड लिख दिया है बाय मिस्टेक, एन इलेक्ट्रॉन यहां पे कर लो प्लस एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये रॉड से ही एन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फ्रॉम रॉड, तो ये थोड़ा सा जस्ट करेक्शन कर लो, एम प्लस एन एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, रॉड से एन इलेक्ट्रॉन लेके एम सॉलिड में जा रहा है, यहां भी उल्टा कर दो थोड़ा सा बस, जो एन इलेक्ट्रॉन है ये फ्रॉम रॉड, फ्रॉम रॉड, रॉड से ले रहा है, इसमें क्या हो रहा था इनटू रॉड, रॉड के अंदर छोड़ रहा था एन इलेक्ट्रॉन्स को, मेटल खुद इसमें कन्वर्ट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को रॉड में छोड़ा था, अब ये रॉड से खुद इलेक्ट्रॉन को ले रहा है फ्रॉम रॉड, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका किसमें, एम सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम, तो इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देयर विल बी चार्ज सेपरेशन, एक क्या दिखाई दे रहा है चार्ज सेपरेशन, एंड ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन ए पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप, दैट विल बी नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हमारे वही डेफिनेशन बन जाती है। तो अभी दो केस हुआ ना, एक और केस लास्ट केस भी लिख लेते हैं। थर्ड केस क्या हो सकता है कि ओपी और एसपी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो थर्ड केस हो सकता है ना। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इतना ज्यादा इसके क्वेश्चंस नहीं हमसे पूछे जाएंगे, हमसे बेसिकली न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, जो कि कल की क्लास से शुरू हो जाएगा, कैसे न्यूमेरिकली डील किया जाता है। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ये सब जानकारी है जो आपको अभी इस क्लास के लिए ध्यान रखना है, ओपी बराबर एसपी, अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर बराबर हो जाएगा बेटा, उस केस में आपको नो चेंज इन वेट ऑफ रॉड, नो चेंज इन वेट ऑफ रॉड, रॉड के वेट में कोई भी चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। और इस तरीके के इलेक्ट्रोड को ना कैथोड बोलते हैं ना एनोड बोलते हैं, इस तरीके के नो चेंज इन वेट ऑफ रॉड का मतलब इस तरीके के रॉड को हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इस तरीके के रॉड को क्या बोला जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे लिए इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाता है, जब दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाती है, कोई भी वेट में चेंज हमें दिखाई नहीं देगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। और इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम ही क्या होता है, ओनली यूज फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, इसके अलावा इसका कोई भी यूज नहीं है। इंक विजिबल नहीं है शायद, मुझे लग रहा है ओनली यूज फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, केवल ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए यूज आता है, बाकी इसका कोई भी यूज नहीं है। तो लेक्चर हमारा खत्म ही होने वाला है, तो मैं बस जस्ट दो मिनट और बचे अपने पास कर लेते हैं। वो यू ओनली यूज फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होता है। और इसके एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है जरा सा बेटा, है ना, प्लेटिनम, जो प्लेटिनम पीटी इलेक्ट्रोड कभी लिखा हुआ आएगा तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, और कार्बन ग्रेफाइट, ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड कैसे कहलाते हैं हमारे लिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाएंगे, जो आगे चैप्टर में हमारे काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड्स हैं, जिनका काम केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होगा, आगे की क्लास में हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। बस लास्ट में डिफाइन कर दूं, हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बनी, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है, जस्ट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देयर विल बी सम सेपरेशन ऑफ चार्ज, देयर विल बी सम सेपरेशन ऑफ चार्ज। आपको फिजिक्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, पोटेंशियल क्या होता है, तो ही आप समझ पाएंगे। इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देयर विल बी सम सेपरेशन ऑफ चार्ज, कुछ चार्ज का क्या रहेगा, सेपरेशन। सो ड्यू टू दिस, ऐसे कर लो, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देयर विल बी सम सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन there will be a potential develop and due to this charge separation there will be a potential develop, and this potential is known as
इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देयर विल बी सम सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन देयर विल बी ए पोटेंशियल डेवलप एंड दिस पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड के अलोंग हो रहा है ना, इलेक्ट्रोड के अलोंग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, इसीलिए दिस पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। और फील नहीं लेना है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा हमें कॉन्स्टेंट है जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, थोड़ा सा बस डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल पार्ट है आज का, ध्यान ही रखना है आपको, याद करना है, इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन के केस में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब जिंक Zn प्लस टू में जाएगा, तो यहां ऑक्सीडेशन हो रहा था ना। इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड इन केस ऑफ रिडक्शन इट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें क्या समझ में आया, एनोड पे तो हमेशा क्या होना है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो एनोड के केस में ऑक्सीडेशन रहेगा और उस केस में हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मीनिंग होगा, ओपी बोलेंगे। एनोड के लिए क्या डिफाइंड होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कैथोड के लिए क्या डिफाइंड होगा आपका, कैथोड के केस में क्या होता है, रिडक्शन। तो उस केस में क्या डिफाइंड होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीनिंग हो जाएगा, और कैथोड के केस में रिडक्शन होता है, तो वहां पे मीनिंग क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कभी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं डिटरमाइन करते हैं, हमेशा कैसा निकालते हैं, रिलेटिव वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि जब ये चार्ज डेवलप होगा ही कब, ये चार्ज ऐसे आयन को उसके रॉड को उसके सॉल्यूशन में डाल देने से नहीं आएगा, उसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा वायर के थ्रू किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से। जब उसको कनेक्ट करोगे तभी उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो निगेटिव। क्या जिंक को ZnSO4 में डाल देने से कोई चार्ज आएगा, नहीं। जब तक इसको कॉपर के रॉड से, इस रॉड से हम कनेक्ट नहीं करेंगे वायर के थ्रू, तब तक इस पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो जो हाफ सेल थे वो कभी काम नहीं करते, हाफ सेल को हमें किसी दूसरे रिलेटिव के साथ जोड़ना पड़ेगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जैसे ही जोड़ा जाता है, या तो उस रॉड का ऑक्सीडेशन होता है या तो रिडक्शन होता है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो जो डेवलप होगा, कैसे वो मेजर करते हैं आपको पता होगा, बोल्ट मीटर लगा दिया जाता है ना, ये बोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा उस हिसाब से हमें उसका पोटेंशियल मेजर हो जाता है। तो आप एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे, उसके साथ आप एनोड चैम्बर या कैथोड चैम्बर, जिसका भी, चाहे जिंक रॉड चाहे कॉपर रॉड, जिसका भी मेजर करना है जोड़ा जाता है, आगे का पार्ट है वो पढ़ेंगे हम लोग। तो उस केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल हमारे डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आती, कैसी आती है, रिलेटिव वैल्यू। तो आज का लेक्चर मैं स्टॉप करता हूं, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, और नस्ट इक्वेशन कैसे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है। तो कल से थोड़ा लॉजिकल और न्यूमेरिकल पार्ट आ जाएगा, आज का पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल था। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि आप इन सब चीजों को, जो डेफिनेशन पॉइंट्स जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप इनको याद रखें, क्वेश्चंस में भी आस्क की चीजें पूछी जा सकती है कुछ भी इनमें से। तो ये इन्फॉर्मेशन है पूरा का पूरा, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग नस्ट इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, और क्या फैक्टर है, कैसे अफेक्ट करता है, मतलब बेसिकली वेरिएशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का देखना है किसके साथ, हमारा प्रेशर के साथ या कंसंट्रेशन के साथ और टेम्परेचर के साथ। तो आज का लेक्चर यही स्टॉप करता हूँ मैं, थैंक यू सो मच।